महाराजगंज की सदर कोतवाली इलाके के एक स्कूल के बाथरूम में हिडन कैमरा मिला है। कैमरा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूल जिले के पहाड़ी रोड पर स्थित है और इसका नाम एवरेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूल से लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कोई वायरल हो रहा है बोला है, तो उसी के बाद ही पता चला है, लेकिन कौन लगा किसने क्या मालूम। उन लोगों का ये कहना है कि मामला पुराना है, मार से ही आ रहा है, कैमरा जो वायरल हो रहा है मार से ही वायरल हो रहा है। वो तो मार से हम लोग मालूम है, हम लोग नया जैसे नया सेशन जो समर वेकेशन में घर गया उसको कोई आइडिया मालूम नहीं। जो वीडियो वायरल हो रहा उसमें एक आदमी है जो कैमरा लगाते हुए दिखाई दे रहा है बाथरूम में। हाँ ऐसे ऐसे है, लेकिन वो फेक वीडियो होगा जरूर, क्योंकि ऐसे हमको विश्वास नहीं है जो ऐसे करेगा। क्या लगता है इस तरह का मामला हुआ, बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, बच्चियों के साथ खिलवाड़ हुआ, कि आपको क्या लगता है ये सही है? सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 इयर्स हम यहाँ है स्कूल चला रहे हैं, अभी तक किसी का कोई शिकायत पेरेंट्स से नहीं है, बच्चों से नहीं है। हम लोग इतना बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ये जो भी किया वो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधक सहित एक अन्य स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली में पूछताछ कर रही है। स्कूल के ही एक स्टाफ ने चोरी से लगे हिडन कैमरे को देख लिया था और कैमरे को रख लिया और कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महाराजगंज से गुलाम गौस, पंजाब केसरी टीवी।